नया प्रोमो आज के जजमेंट डे के एपिसोड का आ चुका है बाहर, जहां पे कंगना पूछती हुई नजर आती है कि आपके टीम में कौन है आपके लिए एक बोझ और आपको बोरी जो है बोझ वाली वो उस कैंडिडेट के हाथ में जो है पास ऑन करनी है। बताती हूँ क्या कुछ शॉकिंग जवाब आ रहे हैं इन कैदियों की ओर से। देख रहे हो आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल गाइज, यहाँ पे जो है हर एक कैदी को बताना होता है कि कौन सा कैदी जो है काइंड ऑफ भारी पड़ रहा है अपने टीम पे। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या ऑरेंज टीम ब्लू टीम के लिए कह रही है और ब्लू टीम ऑरेंज के लिए, या फिर दोनों ही टीम अपने अपने टीम मेंबर्स के ऊपर ही कह रही है। जहाँ पे टीम प्लेयर होने की बात जो है कर रही है पाल की, ये टीम के लिए नहीं खेलते। कोई यहाँ पे शिवम है, वो कह रहे हैं कि इनका ध्यान तो बस किचन में होता है, इनका ध्यान गेम पे होता ही नहीं है। पूनम कहती है कि ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिद्धार्थ जो है वो यहाँ पे कहते हुए नजर आते हैं कि ये बोझ नहीं है, बेसिकली टीम में कोई बचा ही नहीं है तो अब क्या ही बोल सकते। तो इस कदर ऐसा लग रहा है कि स्पेशली सिद्धार्थ का वो जो डायलॉग था, वो जो कहना था कि टीम पे बोझ नहीं बल्कि टीम में कोई बचा ही नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये देखने के बाद कि आपस में ये जो है अपनी अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि अपोजिट टीम के लिए जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में बोरी का बैग है और बोरी का बैग जो है जो भी कैदी ज़्यादा भारी पड़ रहा है टीम के ऊपर वहाँ पे पास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कंगना की नज़र में किसका नाम आने वाला है सबसे ज़्यादा बार, जो बन चुका है टीम के लिए बोझ। और आई एम श्योर कि अगर ये टीम आपस में ही खुद के लिए वोट करेगी बोझ वाले खिलाड़ी के लिए, बोझ वाले कैदी के लिए, तो डेफिनेटली आपस में ही टीम मेंबर्स की फाइट और लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। आपको क्या है लग रहा कि क्या ये लोग आपस में अपने अपने टीम मेंबर्स के बारे में बात करें या अपोजिट टीम के बारे में बात करें? व्हाट इज योर टेक ऑन इट, नीचे कमेंट करके बताइए। और आपके हिसाब से एज एन ऑडियंस आपके नजरों में कौन है सबसे बड़ा बोझ किस टीम के ऊपर, बता दीजिए इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।